बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर से हम आपको वेलकम करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरखो टीवी पर। दिरलिश अर्तगाल और कुरलुश उस्मान इस सदी के एक बेहतरीन इस्लामिक सीरीज़ बन चुकी है, और चूंकि ये एक बेहतरीन तारीखी सीरीज़ है लिहाजा इसमें कुछ ऐसे मोड़ भी दिखाए जाएंगे जो हमें बुरे लगें। कई मौक़े पर कई कबीला में ऐसी शहादतें भी दिखाई जाएंगी जो हमारी आँखों में आंसू भर दें, और कई ऐसी जंगें भी दिखाई जाएंगी जो तारीख में एक ख़ास अहमियत रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जंग की जिसका नाम आर्मिनी बेली की जंग है, जो कि इंग्लिश में माउंट आर्मिनिया बैटल के नाम से जानी जाती है, और सल्तनत उस्मानिया की तारीख की ये पहली जंग है जो बाकायदा तौर पर बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ लड़ी गई। और इसके अलावा ये उस्मान गाज़ी की पहली लड़ाई थी जो किसी सल्तनत के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी। इस जंग का ज़माना 1284 बताया जाता है, और इस जंग के हालात बाज़ंतीनी कलादारों के हाथों पैदा किए गए, जिन्हें आप तकफ़ुर भी कह सकते हैं, क्योंकि उस्मान गाजी को जंगों में घसीटने के ज़िम्मेदार भी यही थे। और इनमें सर फहरिस्त आया निकोला था, जिन्होंने उस्मान गाजी के इस इलाके में बढ़ते असर रसूख की वजह से उनके ख़िलाफ़ साजिशों का बाजार गर्म किया और दुश्मनी की इब्तदा की। मशहूर तुर्क मुअर्रिख आशिक पाशाज़ाद अपनी किताब तारीख़ आली उस्मान में लिखते हैं कि आया निकोला वो आदमी था जिसने उस्मान गाजी को मारने के लिए एक मंसूबा बनाया जिसका नाम चार्टर पिनारी था, और यही आया निकोला एनागोल किले का तकफ़ुर था। इन दिनों काई कबीला एक ऐसी जगह आबाद था जहां कस्तनतुनिया से कोनिया जाने वाला रास्ता मरकज़ी रास्ता गुजरता था। ये जगह सुल्तान के कोबाद ने काई कबीला के सरदार अर्तुगरुल गाजी को उसकी सलजोकी सल्तनत की खिदमत के बदला में दी थी। इस जगह का नाम सुगोत था, और आया निकोला इस जगह पर कब्ज़ा करना चाहता था ताकि इसके बाद बकिया तुर्क कबीलों को या तो अपना मोती किया जाए या उन्हें यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर किया जाए। इस मकसद के लिए आया निकोला ने अपने सिपाही इन जगहों पर घात लगाकर बिठा दिए जहाँ से काय कबीला वाले दोमानीच से सुगोत और सुगोत से दोमानीच आया जाया करते थे। सुगोत इन दिनों इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि ये बुलंदी पर वाक़ था, और यहाँ से दुश्मन का मुकाबला करना इंतहाई आसान था। उस्मान गाजी की इमारत एक अहम जगह पर वाक़ थी, और सुगोत खुद भी एक अहम जगह पर वाक़ था जो बाज़ंतीनी सरहद के करीब पड़ता था। जबकि उस्मान गाजी के मशरक में हरमनकाया और काराचाहिसार के किले थे, और मगरब में बुरसा और एनागोल किला था, और शुमाल में इज़निक हसरा और बिलजी के किले थे, और यूं उस्मान गाजी हर तरफ से बाज़ंतीनियों में घिरे हुए थे। मगर इसके बावजूद आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खुशी खुशी रह रहे थे। आया निकोला ने दोमानी से सुगोत जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, और वहां से गुजरने वाले काई कबीला के लोगों का सामान लूट लिया और उनका कत्लेआम किया, और इस मकसद के लिए उन्होंने दूसरे तकफूर को भी अपने साथ मिला लिया था जिनमें करजार और बेलजिक किला के तकफूर शामिल थे। जब काय कबीले वालों का आया निकोला के हाथों इतना बड़ा नुकसान हुआ तो इसने उस्मान गाजी को भड़का दिया, और उस्मान गाजी ने इसका बदला लेने के लिए अपनी फ़ौज में नए सिपाही भर्ती करना शुरू कर दिए ताकि इनसे बदला लिया जा सके। लेकिन इससे पहले आया निकोला, जो तुर्कों से सख्त नफरत करता था और ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी सरहद के करीब तुर्क आबाद हों, मदद के लिए अपने गवर्नर को ख़त लिखा कि उसे उस्मान गाजी के ख़िलाफ़ फ़ौज फराहम की जाए। लेकिन बाज़ंतीनी एम्परर उस वक्त शुमाली यूरोप के साथ जंग लड़ने में मसरूफ़ था, और उसने फ़ौज फराहम करने से इनकार कर दिया। इसने आया निकोला ने मकामी कलादारों से इल्हाक करके एक मुतहिद्दा फ़ौज बनाई, और इसका नाम मुतहिद्दा बाज़ंतीनी फ़ौज रखा गया। लेकिन यहाँ आया निकोला ने एक गलती कर दी जिसमें उन्होंने उस्मान गाजी की पावर को समझने की गलती कर दी, और यूँ 1284 में उस्मान गाजी और आया निकोला के दरमियान आर्मिनी बेली की लड़ाई हुई। हालांकि इस लड़ाई में उस्मान के सिपाही बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद शौक़ शहादत इतना था
कि उस्मान गाजी का भतीजा बेहोजा बे जो कि सिर्फ 16 साल का था बड़े ज़ोर व शोक से इस जंग में शरीक हुआ। असल तारीख में जंग का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि एक रात जब उस्मान गाजी एनागोल किले पर हमला करने जा रहे थे तो आया निकोला को उसकी मुखबरी हो गई, जो कि पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत धुंधार और पेत्रोस के रूप में बावर कराने की कोशिश की गई और इन दोनों पार्टियों का आमना सामना आर्मेनी के मकाम पर हुआ। उस्मान गाजी की जंगजुओं की तादाद 100 से 120 के करीब थी, जो कि दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थी। लड़ाई शुरू हुई और इस लड़ाई में आया निकोला की भरपूर कोशिश थी कि उस्मान गाजी को शहीद कर दिया जाए ताकि सारा मसला ख़त्म हो जाए, मगर दोस्तों उस्मान गाजी के सिपाही अपने सरदार के इस कदर वफादार थे कि जब उन्होंने दुश्मन की इस चाल को महसूस किया तो उन्होंने उस्मान गाजी को घेर कर खड़े हो गए ताकि तीरों से उन्हें बचाया जा सके। और इससे हुआ ये कि उस्मान गाजी तो इसमें बच गए लेकिन उन्हें बचाते हुए उनका भतीजा बेहोजा बे जो कि सिर्फ 16 साल का था शहीद हो गया। और ये 16 साल का बच्चा बड़े ज़िद के साथ इस जंग में शरीक हुआ था, जो कि आप पिछली कुछ एपिसोड में झलकियों की सूरत में देख चुके हैं। और आप उस्मान गाजी के ख़ानदान के सबसे कम उम्र शहीद थे। तो नाज़रीन, सल्तनत उस्मानी की जो तारीख आज मौजूद है उसके मुताबिक ऐसा ही हुआ था, जबकि ड्रामे में हमें कुछ और ही दिखाया गया है। मेरी इस बात का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, लेकिन ड्रामा में हमें बिल्कुल 100% दुरुस्त भी नहीं दिखाया गया। बेहोजा बे उस्मान गाजी को बहुत प्यारे थे और आपकी शहादत ने उस्मान गाजी को वो ज़ख्मी शेर बना दिया, जिसके बाद उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी सल्तनतों के परखच्चे उड़ाकर और निस्तो नबूत होकर ही दम लिया। लेकिन ये तो थी आर्मीनिया बेली की जंग की कहानी। इसमें इस जंग में उस्मान बे को वक्ती तौर पर तो शिकस्त हुई और आया निकोला को फतह हासिल हुई, मगर इसके बाद एक और जंग हुई जो उस्मान गाजी जिसमें उस्मान गाजी को फतह हुई और वो दोमनीज की जंग कहलाती है। अब क्या सोची बे इस जंग में शहीद हुए थे या दोमनीज की जंग में, वो आपके साथ शेयर करेंगे सल्तनत उस्मानिया की वार सीरीज़ की दूसरी एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इसके मुताबिक अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।